100 किलोमीटर का रेंज भी आ सकता है। How much range did you get with this? रेयर ब्रेक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कौन है इतना अमीर। मैक्सिमम स्पीड भी कम हो गया, 2% लेफ्ट 5 किलोमीटर अवे। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी पिलियन राइडर के साथ इन पावर मोड TF सर्किट में कितना रेंज आता है, चलो अभी ट्राई करके देख लेंगे। हम आज पावर मोड में चलाने वाले हैं, हम स्पीड को मेंटेन करेंगे 50-60-70 में ही। उसी के साथ फॉर एवरी 10% ऑफ चार्ज हम मेजर करेंगे हमको रेंज कितना मिला, बिकॉज स्कूटर को चलाते चलाते बैटरी एंड मोटर दोनों हॉट होता है एंड वो हीट होने के बाद रेंज कम होने का चांसेस होता है। अभी हम सुबह सुबह निकल रहे हैं 7:30 इन द मॉर्निंग इन बैंगलोर एंड ये वर्किंग डे है, सो विच मीन्स वापस आते वक्त बहुत ट्रैफिक होगा। सो इससे हमको ये भी पता चल जाएगा MT रोड में रेंज कितना मिलता है एंड ट्रैफिक होने पे कितना रेंज मिलता है। एंड अभी तक हमने सिर्फ 5.8 किलोमीटर से किया है एंड द बैटरी इज डाउन टू 93% ऑलरेडी। ये तो वन वे है, oopsie, समथिंग हैपेंड। ओके, सो वी हैव डन 9.3 किलोमीटर सो फार एंड अभी 90% चार्ज बचा है। इन कॉन्ट्रास्ट जब हमने इको मोड में रेंजेस किया था तब भी ऑलमोस्ट हम 40-50 में ही चलाए थे, तब हमको बाय 10% हमको क्लोज टू 11.6 किलोमीटर ऐसा मिला था। पावर मोड का थ्रॉटल रिस्पांस बहुत ही सही है, इसका एक्सेलरेशन इज वेरी स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग है कि इस तरह के ट्रैफिक जैम्स में बहुत देर की रेड मिलेगा। थोड़ा सा थ्रॉटल घुमाते ही इट विल एक्सेलरेट सो फास्ट एंड इसका ब्रेक भी उतना स्ट्रांग नहीं है, पर्टिकुलरली रेयर ब्रेक उतना स्ट्रांग नहीं है, सो बहुत देर की रेड मिलेगा। सो इस तरह के ट्रैफिक जैम्स के लिए बहुत काम आता है दिस ऑटो होल्ड, एक्सट्रीमली सिंपल टू यूज, थोड़ा सा ऐसे रोल बैक होने से बहुत काम आता है। रेंज अपडेट, अभी तक हमने 19 किलोमीटर किया है एंड 80% चार्ज बचा है। सो फार हमको बहुत ट्रैफिक मिला था, ज्यादा एक्सेलरेट करने का मौका नहीं मिला, हम कॉन्स्टेंटली समवेयर अराउंड 40-50 के बीच में चला रहे थे इन पावर मोड, बट स्टिल हमको रेंज कम ही मिल रहा है देन व्हाट वी गॉट इन इको मोड। लेकिन स्पीड जैसे भी हो सो फार हमको ये देखने को मिला कि इन पावर मोड सस्पेंशन थोड़ा अनकंफर्टेबल है, मतलब इट इज टू सॉफ्ट फॉर एवरी पॉट होल एंड एवरी स्पीड ब्रेकर, या फिर जब रोड भी थोड़ा सा ऊपर नीचे को जाता है स्कूटर बहुत जंप कर रहा है, इट इज नॉट सो कंफर्टेबल राइड। इको मोड में इट वॉज वेरी स्मूथ एंड वेरी सॉफ्ट, ऐसे कभी अनकंफर्टेबलनेस फील नहीं हुआ, इसमें यू कैन फील इट। विद द पावर मोड ट्रैफिक में क्या फायदा होता है, ऐसे सबको मजा होता है ना कि फर्स्ट लाइन पे खड़े हो जाओ एंड ग्रीन आते ही फुल स्पीड में एक्सेलरेट करो। अभी ट्राई करें, चलो रेडी। वाओ वाओ, 45, 50, 60, अमेजिंग। चलो अब नो मोर टॉकिंग एंड सी यू एट 70% ऑफ चार्ज। सर हाय, यू गॉट अ मिनट? सर हाय, आई एम कृष्णा, आई जस्ट वंडरिंग हाउ वाज द स्कूटर? इट्स गुड। How far did you drive it, sir? 3.5 years. 3.5 years. And how much range did you get with this? Well, on a single drive, I get around 90 kilometers. 95. That's very good, no? Nice. And how many kilometers did you drive so far, sir? 28,500. But this color is not present right now, no? The red color. I think now they have stopped this color. Quality, about the quality and the comfort is very good, sir. On the doubles, you will get around 80-85 kilometers. Okay, thank you. Thank you very much, sir. वाओ, इतना सुंदर गाड़ी है यार चेतक को, एंड वो बोल रहे थे वो स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्ट बहुत ही अच्छा है, वो 3.5 years से उसको चला रहे हैं, 28,000 किलोमीटर चलाया एंड बोलते वक्त उनके फेस में एक सेटिस्फेक्शन था कि इस चेतक मैंने लिया एंड इट वाज राइट डिसीजन वाला एक सेटिस्फेक्शन था, इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, प्रीमियम है बहुत, एंड बोल रहे थे कि सिंगल पर्सन ड्राइव में 100-110 किलोमीटर तक रेंज देता है, विद पिलियन फुल चार्ज में 80-85 किलोमीटर तक रेंज मिलता है, ऐसे कह रहे थे। स्ट्रॉन्गली रिकमेंड भी कर रहे थे कि सिटी यूज के लिए बहुत ही कामयाब है एंड इट मेक सेंस ऑल्सो, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, चेतक ज्यादा प्रॉमिस भी नहीं करता है कि इस फीचर है उस फीचर है, लेकिन जो देता है उसमें बहुत अच्छे से दिया है चेतक। इनफैक्ट माय पर्सनल फेवरेट है टू ड्राइव इन ए सिटी, आपको क्या लगता है आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। चलो अब सी यू एट 70% ऑफ चार्ज। सो रेंज अपडेट, अभी तक हमने 28.8 किलोमीटर चलाया एंड 70% ऑफ चार्ज बचा है। फर्स्ट 20% ऑफ द ट्रिप में ट्रैफिक भी था तो हम कॉन्स्टेंटली 50-60 में चला नहीं पाए थे, बीच बीच में स्लो करना पड़ा, रोकना पड़ा,
सो अभी लास्ट 10% ऑफ चार्ज 80% टू 70% में हम 50 टू 60 kmph स्पीड में ही मेंटेन कर रहे हैं। आई थिंक अभी लास्ट 10% ऑफ चार्ज हमको 11 किलोमीटर या समथिंग का रेंज मिला है, इट्स गोइंग प्रीटी गुड। एट दिस रेट हमको 100 किलोमीटर का रेंज भी आ सकता है। रिमेम्बर हम अकेले नहीं चला रहे हैं, वी हैव अ पिलियन राइडर, टोटल वेट ऑफ 130 किलोस एंड हम पावर मोड में चला रहे हैं। जब हमने चेतक वर्सेस आईक्यू का कंपैरिजन किया था, हमने ये बताया कि टेस्ट राइड सारा ये फील हुआ स्कूटर के बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। वो आज इन पावर मोड एक्सेलरेशन के साथ अच्छे स्पीड में चलाते वक्त, बैड रोड्स में चलाते वक्त वेरी क्लियरली फील हो रहा था। एंड इनफैक्ट इन एम्प्टी रोड ऑल्सो स्पीड जैसे 65-70 kmph तक चला जाता है, आपको स्कूटर में कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, थोड़ा सा यू फील दैट व्हीकल थोड़ा सा हिल रहा है, दैट इसका बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। वो इसलिए कि स्कूटर का बॉडी इज कम्प्लीटली प्लास्टिक, प्लास्टिक कम्स विद अ कॉम्प्रोमाइज विद द बिल्ड क्वालिटी, बट एडवांटेज ये होता है कि लाइट वेट हो जाता है, उसके वजह से स्कूटर जल्दी एक्सेलरेट हो जाता है एंड जब वेट कम हो जाता है रेंज भी ज्यादा मिलता है। चलो अब 60% ऑफ चार्ज। रेंज अपडेट, अभी तक हमने 39 किलोमीटर किया है एंड अभी तक हमारे पास 60% चार्ज बचा है, विच इज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर फॉर 1% ऑफ चार्ज। एट दिस रेट हमको क्लोज टू 100 किलोमीटर का रेंज मिल सकता है, लेकिन हम कंसिस्टेंटली हाई स्पीड में चला रहे हैं। लास्ट 20% से हम 60-65-70 पे ही हम चला रहे हैं, विच मीन्स बैटरी एंड मोटर थोड़ा जल्दी हीट हो सकता है एंड रेंज अभी गिर सकता है। सो अभी देखते हैं क्या होगा। अभी हमारे पीछे एक स्पोर्ट्स कार आ रहा है, येलो कलर, आपको क्या साइड मिरर से दिख रहा है? आई विल शो यू, अब वो थोड़ी देर में हमको क्रॉस कर लेगा। आई थिंक इट्स अ पोर्शे, या पोर्शे, बहुत सुंदर है ना, नया गाड़ी है, कौन है इतना अमीर। चलो अब शो यू 50% ऑफ चार्ज, लेट्स गो। रेंज अपडेट, अभी हमने 47.1 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। एट दिस रेट हमको 94 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। जैसे कंसिस्टेंटली टॉप स्पीड में चला रहे हैं, रेंज बहुत कम होते गया है एंड नाउ वी आर डाउन टू एन एस्टिमेट ऑफ 94 किलोमीटर। देखते हैं अब आगे कैसे चलेगा, इसी स्पीड में चलाएंगे तो। रेंज अपडेट, सो फार हमने 55.5 किलोमीटर चलाया एंड 40% ऑफ चार्ज बचा है। परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं है, वी आर कॉन्स्टेंटली क्रूजिंग इन 65-70 kmph एंड जब भी मौका मिल जाए ट्राइंग आउट द मैक्सिमम स्पीड एज वेल। चलो अभी ट्राई करेंगे 40% ऑफ चार्ज में कितना मैक्सिमम स्पीड जाएगा। फुल चार्ज में तो 83 kmph है मैक्सिमम स्पीड, सो अभी 74 kmph जा रहा है मैक्सिमम स्पीड, जिसको क्रॉस नहीं कर रहा है। लिथियम मोड में भी यही होता है कि द बैटरी परसेंटेज विल ड्रॉप फ्रॉम 90% 80% 70%, मैक्सिमम स्पीड भी कम हो गया। इट स्टार्टेड विद 52 kmph एज मैक्सिमम स्पीड, 44-42 हो गया। यहाँ पर इन पावर मोड 83 पे शुरू किया था, देन 77 हो गया, अब 74 इज द मैक्सिमम स्पीड इन द पावर मोड। आई थिंक ये कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइज कर रहा है स्कूटर इसको, आई थिंक ये डिफॉल्ट ऑप्टिमाइजेशन है। जब बैटरी परसेंटेज इतने गिर जाएगा तो उतने तक मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगा, बस टू मेक श्योर हमको रेंज मिल जाए एंड मोटर एंड बैटरी पे ज़्यादा लोड एंड स्ट्रेस ना पड़े, विच इज़ अ गुड इन सम वे इफ यू आर एक्सपेक्टिंग रेंज एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग लॉन्जिबिलिटी फ्रॉम द बैटरी। क्योंकि इसका बैटरी वारंटी इज ऑल्सो 3 years एंड 50,000 किलोमीटर, एक्सटेंड वारंटी भी नहीं है। सो उसके हिसाब से देखें तो दिस इज़ अ गुड थिंग, वेयर इट ऑप्टिमाइजेस द बैटरी एंड मोटर एंड द परफॉर्मेंस। जैसे मैंने इको मोड रेंज से इसमें कहा था, साइड मिरर इसका एकदम शानदार है, वेरी सिंपल डिजाइन है बट बहुत काम आ रहा है, आई एम लविंग दिस। चलो अब सी यू एट 30% ऑफ चार्ज। रेंज अपडेट, अभी तक हमने 65.4 किलोमीटर किया है एंड 29% चार्ज बचा है। ऑलमोस्ट फॉर एवरी 1% ऑफ चार्ज क्लोज टू 1 किलोमीटर आ रहा है, नॉट एग्जैक्टली 1 किलोमीटर। क्या 66 किलोमीटर चलाने के बाद भी इतने धूप में कॉन्स्टेंटली हम पावर मोड में चला रहे हैं हाई स्पीड में, फिर भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स मैक्सिमम स्पीड कम तो हुआ है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस इज नेवर कॉम्प्रोमाइज। लाइक अभी कि मोटर हीट हो गया, बैटरी हीट हो गया, ऐसे कोई ओवर हीटिंग इश्यू अभी तक आया नहीं। अमेजिंग यार।
अभी रेंज थोड़ा ज्यादा गिर रहा है, लास्ट 20-25% में से रेंज ज्यादा गिरना स्टार्ट किया, 90 किलोमीटर भी नहीं आ सकता है। एंड हम थोड़ा दूर जा चुके हैं रेंज टेस्ट करते करते, अब हमको वापस जाने के लिए 30 किलोमीटर करीबन जाना चाहिए एंड अभी 23% चार्ज बचा है, सो लेट्स सी हम पहुंच पाएंगे या नहीं। एंड ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो गया, पर्टिकुलरली ट्रैफिक में रेंज ज्यादा गिरता है। बट एनीवे इस चीज से अब ये पता चल रहा है कि जब ट्रैफिक होता है बिलियन रेडर के साथ पावर मोड में जाने से कितना रेंज मिलता है, ये हमको आज समझ में आ जाएगा। बिकॉज इनिशियल फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रिप ऑलमोस्ट 1% पे 1 किलोमीटर आता था, सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रिप रेंज कम हो गया। सो एट द एंड ऑफ द ट्रिप जब हम फॉर एवरी 10% ऑफ चार्ज के लिए जब रेंज देखेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा इसका परफॉर्मेंस कैसे इंपैक्ट होता है। सो रेंज अपडेट, अभी तक हमने 73.3 किलोमीटर चलाया एंड 20% ऑफ चार्ज बचा है। ट्रैफिक में पावर मोड चलाना इज वेरी वेरी चैलेंजिंग क्योंकि ये बहुत स्लिपरी एक्सेलरेशन है, थोड़ा सा घुमाते ही बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन आ जा रहा है। सो हमको वेरी वेरी फाइन ट्यूनिंग करके जाना होगा, समथिंग लाइक ओला एस1 प्रो के अंदर हाइपर मोड कैसे होता है, एथर 50X में वार्प मोड कैसे होता है, वैसे इसमें ये है। सो आपको ट्रैफिक में पावर मोड चलाते हुए बहुत ख्याल से चलना पड़ेगा। मैंने इस iQube को 14 डेज चलाया था, 14 डेज चलाते चलाते फर्स्ट डे से 14th डे तक माय लर्निंग कर्व कैसा था, इसको मैं चलाते चलाते क्या क्या सीखना पड़ा अबाउट द स्कूटर एंड रेंज कैसा होता है, चार्जिंग फीचर्स सारे के सारे मैंने ट्राई करके एक वीडियो बनाया था। सो इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज एन iQube, इसका एक्सपीरियंस को देखना है मोर देन अ रिव्यू, देन आई एम श्योर दैट वीडियो विल कंप्लीटली आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अभी बिकॉज ट्रैफिक भी है एंड हमको लंबी दूर जाना है टू रीच द डेस्टिनेशन, हम यहाँ से थोड़ा स्पीड को कंट्रोल में चलाएंगे। सो इन सारे बैड रोड्स में इफ यू ड्राइविंग एन iQube यू हैव टू बी इन ए लो स्पीड, कम स्पीड में बैड रोड्स में iQube विल फील बेटर, इट्स नॉट द बेस्ट कंफर्ट बट इट इज डिसेंट। लेकिन उसी बैड रोड्स पे थोड़ा सा भी स्पीड चला लोगे, थोड़ा सा भी ज्यादा एक्सेलरेशन दे दोगे, बैक बहुत दर्द होगा। इसके ब्रेक्स के बारे में पहले बता रहा था ना कि इसका रेयर ब्रेक बहुत ही स्लगिश है, आपको जब दोनों ब्रेक लगाते हो आपको फील होता है कौन सा ब्रेक कितना रोक रहा है, यू कैन फील इट, द बॉडी वेट थोड़ा चेंज होता है जब फ्रंट ब्रेक लगाते हो, यू बॉडी विल मूव फ्रंट, रेयर ब्रेक लगाते हो तो इट विल फील डिफरेंट। इसमें यू कैन क्लियरली फील कि जब दोनों ब्रेक्स लगा रहे हो साथ में, फ्रंट ब्रेक इज वन जो ज्यादा रोक रहा है, बैक ब्रेक यू कैन फील दैट इट इज वेरी वेरी स्लगिश एंड वेरी स्लो। इनफैक्ट इसके बारे में नीचे बहुत लोगों ने कमेंट्स में भी बताया कि इसका रेयर ब्रेक इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, इसको अपकमिंग जनरेशन में रेयर ब्रेक को ठीक करना चाहिए। That is the base version of iQube, जो अभी वाला iQube यस से जितना ही रेंज देता है लेकिन दिस डैशबोर्ड एंड जॉयस्टिक नहीं होता है एंड कम्स एट प्रॉब्ली 10-20,000 ऑफ लेसर प्राइस, विच एक्चुअली मेक सेंस बिकॉज इस डैशबोर्ड से ज्यादा वैल्यू एडिंग ऐसा कुछ फीचर नहीं लगा मुझे तो। चार्ज अब 16% बचा है और हमको जाने के लिए मोर देन 20 किलोमीटर है। रेंज अपडेट, अभी हमारे पास 12% चार्ज बचा है, मोस्ट 1 वीक पहले यहाँ एक जियो फेंस बनाया था, आज हम इसको क्रॉस करके बहुत दूर भी चल पड़े और आज का डेट है 27th, एक नोटिफिकेशन भी नहीं है अबाउट द जियो फेंस एंड स्पीड लिमिट भी हमने रखा था इन द सेटिंग्स यहाँ पर एंड इसका भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। अब हमारे डेस्टिनेशन तक नेविगेशन लगाएंगे ताकि हम वहाँ पहुँच के चार्जिंग रख सकें, अभी वी हैव 12% ऑफ चार्ज। इसके नेविगेशन में दिस इज द बिगेस्ट इश्यू, यहाँ पर अगर आप एक डेस्टिनेशन टाइप करोगे आपको यहाँ पर एक नाम से 3-4 लोकेशंस है, ठीक है, बेलंदूर मेन रोड ठीक है, ओल्ड मद्रास रोड ठीक है, ये सॉफ्ट जोन बेलंदूर 560103 एंड ये सर्विस रोड, इन तीनों का क्या मतलब, सेकंड वन में तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, साला पूरा सॉफ्ट जोन सर्विस रोड, वो कहां का सर्विस रोड, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरी है उनको। अभी लेट्स पुट नेविगेशन टू द होम स्टार्ट एंड जैसे ही आप इसको 2 मिनट्स टच नहीं करोगे डैशबोर्ड को ये खुद मोटर बंद हो जाता है, यू विल हैव टू टर्न इट ऑन अगेन। एस्टिमेटेड डिस्टेंस इज 16 किलोमीटर, हमारे पास सिर्फ 12% ऑफ चार्ज बचा है, ठीक है, देखते हैं क्या पहुंच सकते हैं नहीं। 11% एंड 16 किलोमीटर टू रीच द डेस्टिनेशन, आज तो लग रहा है कि हम पक्का रोड पे ही रुक जाएंगे।
आई थिंक यहाँ से थोड़ा डाउन है, लेट्स ट्राई टू रीजनरेट यहाँ पर। अगर एक्सीलेटर को हम घुमाएंगे नहीं, स्टैटिक वैसे ही छोड़ देंगे, तो ये खुद रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा एट दैट पर्टिकुलर स्पीड। एट दिस मोमेंट विद दिस रेंज एंड बैटरी परसेंटेज, दिस रेंज जो अभी रीजनरेट कर रहा है, दिस इज एक्सट्रीमली प्रीशियस। लेट्स ट्राई हमारा ट्रिक्स यहाँ भी काम करेगा कि नहीं, एंड इवन आई क्यूब के इको मोड में रेंज टेस्ट में भी जैसे हमने किया था, टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्पीड 30 एंड 40 के बीच में, आई एम ट्राइंग टू रीजनरेट व्हेनेवर पॉसिबल। रेंज अपडेट, अभी हमारे पास 8% ऑफ चार्ज बचा है एंड हमें पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर दूर जाना है। 1 किलोमीटर फॉर 1% ऑफ चार्ज भी रखें तो भी हमको 5 किलोमीटर के दूर में रुक जाएंगे हम। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्पीड 30 एंड 35 के बीच में, एंड देन रीजनरेटिंग जब भी पॉसिबल हो जाए, एंड वो भी इन पावर मोड। इको मोड के रेंज टेस्ट में सारा इको मोड में किया ऑल दिस ट्रिक्स, लास्ट 5-6% ऑफ चार्ज पे थोड़ा एक्स्ट्रा रेंज मिला है, लेकिन पावर मोड में क्या हाल है आज पता चल जाएगा। इसके हॉन्किंग सुना ना आपने, बॉसी वाला हॉन्क, कॉन्फिडेंट वाला हॉन्क कि हट 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 मैं आ रहा हूँ अभी हट वाला है वो। दूसरा स्केरी हॉन्किंग ये होता है अभी हट 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 अरे अरे, ये होता है स्केरी हॉन्क। लेकिन आई क्यूब का हॉन्क ये ऐसा है कि सर एक्सक्यूज मी जरा हटिए प्लीज, सर एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड प्लीज जरा हटिए ना, इतना सॉफ्ट वाला हॉन्क लगता है इसका। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें, एंटायर स्कूटर का बॉडी एंड एवरीथिंग भी वेरी वेरी सॉफ्ट नेचर का होता है ऐसा लगता है मुझे। आपका कोई दूसरा ओपिनियन है आप जरा नीचे कमेंट से बता देना। डाउन टू लास्ट 6% एंड 10 किलोमीटर दूर, मैं स्कूटर को 10 डेज से चला रहा हूँ, सो इसके रीजनरेशन से काफी एडजस्ट हुआ हूँ। सो अभी जैसे अब ब्रेक करना भी है, लास्ट हाफ एन आवर से मैं ब्रेक बहुत कम मार रहा हूँ, अनलेस कोई बीच में घुस जाए। बाकी सारे चीजों के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीजनरेट एज मच एज पॉसिबल। सो ऑल दिस छोटे छोटे रीजनरेशन विल हेल्प पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में जब आपके रेंज कम है एंड दूर जाना है। ऑल दिस स्मॉल रीजनरेशन विल एड अ बिग इम्पैक्ट। अगर गाड़ी रुक गया, शायद 4 किलोमीटर दूर में रुकने वाला 3 किलोमीटर दूर में रुकेगा, एटलीस्ट 1 किलोमीटर का एफर्ट बचेगा। अभी तेज धूप में डैशबोर्ड में क्लियरली दिख नहीं रहा, लाइट मोड पे कन्वर्ट करें। या वाओ मच मच बेटर, 5% बचा है एंड द बैटरी सिंबल इज ब्लिंकिंग एंड इवन दिस इज ब्लिंकिंग दैट वी आर लो ऑन चार्ज। लेकिन हमको अभी 8 किलोमीटर जाना है, लेकिन हम जितने भी ज्यादा रेंज लाएं, 8 किलोमीटर एंड 5% सीम्स वेरी टफ। विद स्कूटर्स लाइक IQ यही प्रॉब्लम होता है बिकॉज इनका कोई फास्ट चार्जिंग नेटवर्क नहीं है। अगर एथर ओला हो, अगर आपके पास चार्ज कम है, आप कॉन्फिडेंटली वहां जाकर 10-15 मिनट के लिए चार्जिंग रख के एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर का रेंज वेरी इजिली एड करके यू कैन ड्राइव। एंड बिकॉज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी That's some noise, man. So, अगर आपके पास IQ है तो आप confidently ये बोल सकते हो कि आपकी गाड़ी इस जेट से भी साइलेंट है। अभी दिस स्ट्रीट इज सो साइलेंट, इस गाड़ी को चलाते वक्त यू कैन क्लियरली लिसन टू ऑल द स्मॉल स्मॉल साउंड्स जो टायर जाते वक्त आते हैं। सो अगर आपके पास IQ है, सो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड आप ट्रिप को अच्छे से प्लान करें ताकि लास्ट मिनट में इसे रेंज एंग्जाइटी फेस करने की सिचुएशन पे ना आए। 3% 6 किलोमीटर लेफ्ट, लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर अवे। वी आर डाउन टू लास्ट 0%, विच मीन्स आई हैव जस्ट लास्ट फ्यू मीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट एंड देर इज अ बोल्ड चार्जर हियर। आई थिंक वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक दूर हो सकता है यहाँ से। दिस व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर डूइंग अ लॉन्गर राइड, लेट्स मेंटेन अ स्पीड ऑफ 20 ताकि इसे थोड़ा एक्स्ट्रा दूर आ जाए। या सो दिस इज द बोल्ड चार्जर। नहीं नहीं जाएगा सर, सॉरी सॉरी, आपको मैं आई हेल्प यू। शाबाश, दिस इज आई थिंक फ्रॉम इलेक्ट्रिक पे, इस पिन को ध्यान से लगाना पड़ता है। यस, अब लॉक हुआ। आई थिंक ये स्टार्ट करने के लिए वी नीड टू हैव इलेक्ट्रिक पे ऐप। इस ऐप इंस्टॉल करना भी इजी है, देयर इज अ स्कैनर हियर, यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस एंड स्कैन करते यू कैन इंस्टॉल योर ऐप। ओके, वी हैव टू स्कैन, देन यू कैन सेट योर ऑटो चार्ज कंप्लीशन। ओके, चार्ज एक पर्टिकुलर लेवल आने के बाद ये खुद रुक जाता है द चार्जिंग। यू हैव टू पे 9 rupees पर यूनिट। इस स्कूटर के लिए आई थिंक इट नीड्स अराउंड 3.5 or 4 यूनिट स्टार्ट चार्जिंग। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद IQ, आपको बस ये दिखाया है कि 0% है एंड चार्ज हो रहा है, लेकिन ये
नहीं बताएगा कब तक चार्ज खत्म होगा, बट एनीवे अगर आपका चार्ज कभी खत्म हुआ देन ट्राई दिस इलेक्ट्रिक पे, एंड वो भी है एक और फ्रॉम वोल्ट ईवी, वहां भी सेम प्रोसेस है। सो फाइनली टीवीएस आईक्यूब में एक पिलियन राइडर के साथ रेंज टेस्ट इन द पावर मोड फाइनली खत्म हो चुका है। रास्ते में चार्ज खत्म हो गया, हम 3 किलोमीटर्स के दूर में हैं, यहाँ पास में एक चार्जर था तो हम यहाँ आकर इसको हम चार्जिंग पे रखे हैं। इन लाइक 20-30 मिनट्स जब इसके चार्ज हम 10-15% तक जाएगा इसको लेकर हम घर पहुँचने वाले हैं। एंड इन द एंटायर राइड परफॉर्मेंस और ड्रॉप हुआ है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 100% ऑफ चार्ज, द मैक्सिमम स्पीड वॉज 83 km/h इन पावर मोड, एक्सेलरेशन एकदम सही था। थ्रू आउट द राइड एक्सेलरेशन कम नहीं हुआ लेकिन मैक्सिमम स्पीड कम हुआ, इट फेल फ्रॉम 82-83 to 77 एंड देन 72 वॉज द मैक्सिमम स्पीड। इतने सारे करने के बाद वी गॉट अ रेंज ऑफ 95.2 किलोमीटर्स विथ पिलियन इन पावर मोड ऑन द हाईवे एंड इन द सिटी कम्बाइंड। तो नेक्स्ट संडे अब मैं किस स्कूटर के साथ रेंज टेस्ट करूँ आप सर नीचे कमेंट्स में बता देना।